हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग और डाउट आता है इस टॉपिक में, तो इसको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक है लास्ट में उसको बताऊंगा, कौन कौन सा नेचर ऑफ हार्मोन को याद करने का ट्रिक है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है और इसके बाद कभी आज के बाद डाउट नहीं आने वाला। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, देखो दो तरह के हार्मोन होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ठीक है, जो फैट सॉल्युबल है वो लिपिड नेचर का होता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या कहता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सिंपल सी बात है। तो लिपिड सॉल्युबल जो होता है वो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बायलेयर होता है। ठीक है, ये लिपिड बायलेयर होता है तो ये इसको सॉल्युबल है, तो सॉल्युबलाइज करके ये इसको आसानी से पार कर जाएगा, जितने भी फैट सॉल्युबल हार्मोन होते हैं सारा। ठीक है, थायरोक्सिन फैट सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन ये इसका लिपिड नेचर के कारण ये क्या होता है कि ये पास कर जाता है। ठीक है, याद रखना, थायरोक्सिन भी क्या होता है, लेकिन ये पार करता है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्रॉस नहीं किया तो वो क्या करता है, देखो यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं। ये रिसेप्टर क्या करता है, एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, एक आदमी को भेजता है, ठीक है, बोलता है कि तुम जाओ और उस पर जाके बाइंड करो। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गया कि खुद चला जाता है, दूसरा बात ये हो गया कि किसी को भेजता है, जिसको भेजता है वो सेकेंडरी मैसेंजर होता है। ठीक है, और हार्मोन का एक्शन और हार्मोन का डेफिनेशन पता है, व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन आर द प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है, तो ये जितने भी हार्मोन है ये प्राइमरी मैसेंजर है, ये जनरेट करता है सेकेंडरी मैसेंजर को। तो जानते हैं, समझते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले फैट सॉल्युबल हार्मोन आता है, अटैक करता है इस पे, ठीक है, एंटर करता है, जब एंटर करता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये कहाँ बाइंड करता है, या तो साइटोसोल में बाइंड करेगा या तो डीएनए में जाके बाइंड करेगा। तो इसका रिसेप्टर कहाँ कहाँ होगा, डीएनए या फिर साइटोसोलिक रिसेप्टर बाउंड इस पे होता है। ठीक है, जब रिसेप्टर बाउंड किया तो जो चीज जो हार्मोन का एक्शन है वो हार्मोन का एक्शन दिखाई देने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, जब वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे तो प्रोटीन पेप्टाइड और अमीनो एसिड जैसे कंपाउंड जब इस पे एंटर करते हैं तो रिस्पॉन्स, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उसका रिसेप्टर होता है, वहां पे ये बाउंड करता है। ठीक है, तो वहां से सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है, और सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जांपल याद रखना, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम प्लस एंड आईपी3 रिसेप्टर। तो ये सब सेकेंडरी मैसेंजर है, वो यहाँ पे जाके बाइंड करता है। अलग अलग हार्मोन का अलग अलग सेकेंडरी मैसेंजर होता है। ठीक है, ये हायर क्लास में बताया जाएगा, लेकिन अभी याद रखो कि सेकेंडरी मैसेंजर क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये जाके कहाँ बाउंड करेगा, ओनली डीएनए पे, मतलब न्यूक्लिक एसिड पे जाके बाइंड करेगा ये। ठीक है, जब डीएनए पे ये क्या है, डीएनए, और डीएनए पे बाइंड करेगा तो ये क्या दिखाएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, याद करने का ट्रिक बता रहा हूं नेचर ऑफ हार्मोन्स का। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास पूरा चार्ट टेबल के फॉर्म में मैं लिख दिया हूं, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन चार तरह का होता है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड एंड ग्लूकोप्रोटीन। इसको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है, देखो अमीनो एसिड, टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20। ठीक है, तो उसका आधा कर दो, ठीक है, तो उसको याद रखेंगे 10 से, इसको याद रखेंगे 10 से। ठीक है, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, अब चलते हैं शॉर्ट पेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड को याद रखेंगे माओ से, क्या याद रखेंगे, माओ से। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिक एंटी डायबिटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन जिसको बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है, ओ से ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। अब लॉन्ग पेप्टाइड में याद करेंगे क्या, पिता, पी आई टी ए, क्या याद रखेंगे, पिता। ठीक है, पी से हो जाएगा पैराथायरॉइड हार्मोन, आई से हो जाएगा इंसुलिन, टी से हो जाएगा थायरोकैल्सिटोनिन एंड एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ए से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे पिता से, पिता क्या है, लॉन्ग पेप्टाइड है, क्या है, लॉन्ग पेप्टाइड, बड़े होते हैं, ठीक है, तुमसे बड़े होते हैं। शॉर्ट पेप्टाइड के बारे में बात करें, शॉर्ट पेप्टाइड हो गया माओ, ठीक है, माओ, शॉर्ट पेप्टाइड माओ, ठीक है, माओ। अब चलते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन को याद करने का ट्रिक ये है, महात्मा गांधी ऑन टॉप, क्या याद रखेंगे, महात्मा
गांधी ऑन ऑन को सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है, ऑन टॉप, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, महात्मा गांधी ऑन टॉप। आई बात समझ में, ठीक है, महात्मा गांधी ऑन टॉप। एच से हो जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जी से हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, टी से हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ओ से हो जाएगा एस्ट्रोजन और पी से हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे जो मैं पिछले थोड़ी देर पहले बताया था कि देखो थायरोक्सिन जो होता है वो प्रोटीन नेचर का होता है, ठीक है, कहाँ दिख रहा है, थायरोक्सिन एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है, लेकिन ये लिपिड सॉल्युबल होता है, तभी तो मैं दिखाता था यहाँ पे थायरोक्सिन, यहाँ पे मैं दिखा रहा था कि पूरा क्रॉस करके गया था, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है, इसीलिए ये लिपिड बाय लेयर होता है, इसीलिए ये लिपिड सॉल्युबल इसको बोलते हैं। प्रोटीन नेचर का होता है लेकिन लिपिड सॉल्युबल होता है, लेकिन लिपिड सॉल्युबल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है उतना मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेरॉयडल हार्मोन का जो याद करने का तरीका है जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी ऑन टॉप, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, तो ये है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैंने भी डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये सब सारा चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो हार्मोन वाला चैप्टर है लास्ट 11th का, वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।